देखिए काउंटिंग में देख रहा था, मतगणना जारी है, अभी अभी शुरू हो गया, वो पोस्टल बैलेट पर मत जाना। 2 बजे तक पूरा चित्र स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन पंजाब में मैं देख रहा था आप आगे चल रही है, उत्तराखंड में टक्कर चल रही है, गोवा में स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, ये सब आगे पीछे चलता रहेगा 2-3 बजे तक। छोटे छोटे राज्यों का तो रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन गोवा और पंजाब के लिए अभी कोई अनुमान लगाना मुझे ठीक नहीं लगता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि ज़रूर अखिलेश यादव और उनका अलायंस बहुत तगड़ी टक्कर उत्तर प्रदेश में दे रहा है। 3 बजे के बाद हम उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। सर गोवा में अगर देखा जाए तो किसी पूरी तरह से अगर देखा जाए कि आगे काफी कांग्रेस चल रही है और कहीं ना कहीं तृणमूल के भी अच्छे हो रहा है। इसलिए तो मैंने कहा ना कि अभी ये समय नहीं, अभी तो काउंटिंग मतगणना शुरू हुई है। अभी पोस्टल बैलेट के ऊपर जो होता है उसका ऊपर थोड़ा सा हमको संयम से बात करनी चाहिए पोस्टल बैलेट के ऊपर। लेकिन अभी 20-20 राउंड होते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में। बिहार में क्या हो गया आपने देखा होगा। पंजाब की बात में यही कहूँगा कि अब तक पंजाब में भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, पूरे नतीजे आने तक कल सुबह का समय आ जाएगा। हाँ उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में 2 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ गोवा में किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है मेरे हिसाब से। मणिपुर में बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस भी उसके आगे पीछे हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है वो अच्छा टक्कर दे रहा है। बहुत ठीक है, योगी जी आगे चल रहे, योगी तो आगे जाना ही था, लेकिन इतने पीछे से लड़ाई शुरू करने के बाद भी अखिलेश जी अच्छी टक्कर दे रहे हैं। गोवा में खिचड़ी बनेगी, आपने ये बात? खिचड़ी बहुत जगह बन सकती है, सिर्फ गोवा की बात नहीं है। ये खिचड़ी की बात अगर कहे तो और भी 1-2 राज्यों में खिचड़ी पक सकती है। नहीं, गोव्यासह संपूर्ण मी देशाचं सांगताना की आत्ताच कुठे मतमोजणीला प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे। पोस्टाद्वारे जी मतं येतात त्याच्यावरती कल कळत नाही, त्याला पोस्टल बॅलेट म्हणतो। ईव्हीएमच्या माध्यमातून जे आत्ता मतमोजणी सुरू झाली आहे त्याला अजून 2 तास लागतील फक्त त्यांचा कल कळण्यासाठी। आणि उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यामध्ये जिथे मतदारसंघ मोठे आहेत खूप आणि मतदान जास्त आहे, तिथे 5 वाजेपर्यंतच आपल्याला स्पष्ट चित्र आपल्याला कळेल, 5 वाजेपर्यंत झाला आहे। बाकी लहान राज्यातले निकाल गोवा असेल, मणिपूर असेल, उत्तराखंड असेल, ते 2 वाजेपर्यंत स्पष्ट होतील निकाल। आणि मला असं वाटतं की उत्तर प्रदेशमध्ये सुद्धा अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालचं जे गठबंधन आहे ते चांगली टक्कर देते आणि निकाल यायला अद्याप वेळ आहे। सर एक गोव्या संदर्भातलाच प्रश्न, मोठ्या प्रमाणात तुम्ही देखील तयारी केली होती, तिथे जागा देखील लढवल्या होत्या, मात्र आतापर्यंत जे मतदान दिसत आहे त्यात प्रामुख्यानं नोटाला अधिक मतं पडलेली दिसत आहेत। पाहू ना, आता अजून मतमोजणी व्हायची आहे ना, पूर्ण झाली आहे कुठे, जेव्हा संपूर्ण निकाल येतील तेव्हा आम्ही पाहू ना काय होत आहे ते। लोकांना नोटाला का मतं द्याविषयी वाटत आहेत हा सगळ्याच राजकीय पक्षांनी विचार करावा लागेल। गोव्यात शिवसेना खातं उघडेल सर? आम्ही पूर्ण काम केलं होतं, आमच्या लोकांनी मेहनत केली होती, मणिपूरलाही मेहनत केली होती, आमचे अनेक खासदार जाऊन बसले होते, त्यानंतर उत्तर प्रदेशमध्ये आम्ही स्वतः खूप चांगलं काम केलं, आमच्या लोकांनी आदित्य ठाकरे स्वतः आले होते, गोव्यात आले होते। ही सुरुवात आहे आमच्या पक्षाची महाराष्ट्राच्या बाहेर जाण्याची। कोणताही हा प्रमुख पक्ष राज्याबाहेर जाताना त्यांना पहिल्यांदा संघर्ष धडपड करावी लागते, तशी आम्ही केलेली आहे। आणि भविष्यामध्ये आता आम्ही लोकसभा लढू म्हटलं, आम्ही लोकसभा आम्ही थांबणार नाही, ही सुरुवात केलेली आहे पक्ष बाहेर नेण्याचं।
आणि ही सुरुवात आम्ही पुढे नेत राहू. गोव्याचे जे मुख्यमंत्री आहेत ते आता पिछाडीवर दिसत आहेत, खुद्द मुख्यमंत्रीच हे पिछाडीवर. असं आहे की मी अजूनही म्हणतो की साखळी मतदारसंघातलं चित्र हे अस्पष्ट शेवटपर्यंत होतं. प्रमोद सावंत यांच्याविषयी नाराजी होती, तिथे आमचा उमेदवारसुद्धा लढतोय. आदित्य ठाकरे यांची सभा तिकडे आम्ही घेतली, पण तरीही साधारण 2 वाजल्याशिवाय याच्यावरती मत व्यक्त करणं योग्य नाही. उगाच आता फटाके फोडायचे, ढोल वाजवायचे, घोषणा द्यायच्या, याला काय अर्थ नाही.